जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे थे और मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया था। एक बार फटाफट आपको बता दूं कि ये कैलकुलेटर हमारा क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स हैं, अगर आप स्क्रीन के ऊपर नोटिस करो तो बटन्स एक के बाद एक अपेंड हो रहे थे, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था कि ये एक दूसरे को ओवरराइट ना करें, उसके लिए हमें क्या फंक्शन लगाना है वो सब मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको एक चीज़ और कहा था कि आप बाकी बटन्स के ऊपर उन सारी चीज़ों को लगा लेंगे अपनी तरफ से, चाहे वो प्लस हो या कुछ भी हो। तो अगर आप 1+1 लिखें और इक्वल टू पे क्लिक करें तो आपको आंसर 2 मिल जाएगा। अगर आप 3 बार 1 को प्लस करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये 2 ऑपरेटर और 3 ऑपरेंड के साथ भी सही तरीके से काम करता है। सो ऑफ बटन और ऑन बटन कैसे काम करता है उसके लिए मैं कोई सेपरेट लेक्चर यहाँ पे नहीं बनाने वाला हूँ। आप जाएंगे मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में और थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और जहाँ तक मुझे याद है वो आपको सेकेंड लेक्चर के अंदर वो मिल जाएगा कैसे हमारा ऑफ बटन काम करता है। अगर आप ये वीडियो बहुत बाद में देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना और यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसके अंदर आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग मेनली कवर अप करने वाले हैं कि कैसे इक्वल टू बटन के ऊपर क्लिक हो अगर प्लस वगैरह करने के बाद तो वो हमें सही तरीके से प्लस करके एक आंसर प्रोवाइड करे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको मोबाइल में न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यहाँ पे मैं कोड को ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर, और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, हार्डली 5 मिनट का वीडियो बनेगा ये। सो हर जगह पे अप्लाई करने के बाद फाइनली हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे इक्वल टू, जो हमने अपने फॉर्म के ऊपर इक्वल टू का बटन बना रखा है ना, ये वाला कि जब हम इक्वल टू पे क्लिक करें तो हमारे पास एक आंसर आ जाए। सो उसके ऊपर अब हम कोड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप आने के बाद टाइप करेंगे ऑन क्लिक कि जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करे इक्वल टू के ऊपर तो क्या हो। ऑन क्लिक में देखो हमारे फॉर्म का नेम क्या है, मेन फॉर्म, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। डॉट हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है, सारा रिजल्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने इसका नाम रिजल्ट दिया था, ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। डॉट उसके अंदर जो वैल्यू है वो कहाँ से ये लेके आए, मतलब कि ये जो हमारा डिज़ाइन है पूरा का पूरा मेन फॉर्म, उसके अंदर एक और सेपरेट हमने डिव बनाया था, उसके अंदर जो ये रिजल्ट नाम का ये फील्ड है इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आए। कहने का मतलब ये है अगर कोई 1+1+1 और इक्वल टू पे क्लिक करे तो कैसे आंसर आएगा, वो वैल्यू कहाँ से पुट करे, तो वो हमें बनाना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है मेन फॉर्म। अगर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप इसको मैच कर लेना अपने फॉर्म के नेम के साथ, आपने क्या नाम लिखा हुआ है सेम नेम आप प्रोवाइड करें। अगर आपने कुछ और नेम लिखा हुआ है तो नीचे भी आप एज इट इज वही लिखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट रिजल्ट। ये रिजल्ट कहाँ से मैच होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बना रखा है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, इसका जो नाम है ना ये मैंने रिजल्ट दिया हुआ है। तो अगर आपने इस बॉक्स का नाम कुछ और दिया हुआ है तो आप एज इट इज वही नाम यहाँ पे रखेंगे। नीचे आते हैं फिर से और यहाँ पे लिखा है डॉट वैल्यू। वैल्यू का ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस जगह पे वैल्यू वो कहाँ से इम्प्लीमेंट करे, कहाँ से उस वैल्यू को वो सेट करके दे। तो उसके बाद लगा दिया मैंने इक्वल टू, और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा, और हमारा इक्वल टू यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। इक्वल टू के बाद आप चाहें तो स्पेस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस नहीं देंगे तो भी ये चलेगा। और इवेल नाम से एक फंक्शन है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, इनबिल्ट फंक्शन है, बस आपको इसको यूज़ करना है। इसके बाद आपको लगाना पड़ता है 2 ब्रेसेस ब्रैकेट्स, जिसको हम पैरेंथिसिस भी कहते हैं और कई लोग इसको राउंड वाले ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ है और यही आपका पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करके देगा। अब अगर मैं आपको पिछला कुछ चेक कराऊँ ना, जो हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया था इसका कोड अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे हमें कैलकुलेशन के लिए ना काफ़ी कोड करना पड़ता था। सो मैं आपको पहले वो चेक कराता हूँ थोड़ा सा कि वहाँ कितना प्रॉब्लम था, और क्योंकि हमारे पास अब जो हम बना रहे हैं वो एडवांस कैलकुलेटर है वो कितना आसान है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे प्लस के लिए मैंने एक कोड लगाया था यहाँ पे, ऑन क्लिक सम, फंक्शन के पास चले जाए सम, जिसका नाम है सम। और नीचे अगर हम आ गए तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे सम के अंदर हम क्या करते थे, पहली वैल्यू को उठाते थे,
दूसरी वैल्यू को उठाते थे, फिर प्लस करते थे और फिर हम उसको प्रिंट करते थे. सेम सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन. तो आने वाले टाइम पे तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह परफॉर्म करने बैठ गए तो हमें तो कुछ ज़्यादा ही कोड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना इतना. तो जावास्क्रिप्ट हमें इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई तुम्हें इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एक काम करो, इनबिल्ट फंक्शन हमने तुम्हें बना के दिया हुआ है, बस उसको सिंपल तरीके से यूज़ कर लो और इम्प्लीमेंट कर लो, आंसर आ जाएगा. कौन सा फंक्शन या मेथड है वो? इवेल नाम है उसका. यूज़ कैसे करना है, ये जो चीज़ हमने यहाँ लिखा है ना, ये एज इट इज़ आप यहाँ से कर ले कॉपी. कॉपी करने के बाद यहाँ पे विदाउट एनी कोट्स पेस्ट कर दे. कोट्स के साथ या डबल कोट्स के साथ ये चलेगा या नहीं चलेगा, मैंने इसको कभी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है, तो मैंने इसको हमेशा बिना कोट्स के किया है तो ये चलता है. यहाँ पे आपको एज इट इज़ यही टाइप कर देना है. अब देखो, सेंस इसका कुछ नहीं बनता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसको बोला क्लिक करने पे, जो मेरा मेन फॉर्म है उसके अंदर जो रिजल्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर एक वैल्यू सेट करें. वैल्यू कहाँ से लेके आए? इवेल फंक्शन को बुलाए, मेन फॉर्म में रिजल्ट में वैल्यू सेट कर दे. लॉजिकली इसका कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि वो आंसर कैसे लेके आएगा, लेकिन अगर मैं इसको सेव कर दूं, और मैं पिछले कुछ चीज़ों में मैंने आपको कहा था कि आप सारी चीज़ों को ऐसे एज इट इज़ एडिट कर लेना ऑन क्लिक वाला, तो मैं करना भूल गया था. तो अगर मैं उसको कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाऊँ फटाफट, तो हमारा ये जो फॉर्म है ये सही तरीके से हमें आंसर को कैलकुलेट करके देगा. जूम वगैरह कम कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि आपको एक लाइन में शो हो जाए. तो यहाँ पे फटाफट मैं उसको एडिट कर देता हूँ, फिर आप चेक कर पाएंगे इसको भी. तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 3, 4, 5 and 6. ऐसे ही हमें बाकी सारा करना है, 7, 8, 9, 0 प्लस एंड माइनस. ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस. सिमिलरली हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसको क्यों करना है क्यों नहीं करना है. उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एस्ट्रिक का सिंबल, यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉरवर्ड स्लैश जिसको हम डिवाइड कहते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज जिसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में. सो मैंने सेट कर दिया है सारा कुछ, और एक बार सेव कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट को. यहाँ पे आया मैं, एक बार उसको रिफ्रेश किया. अगर आपको चेक कराऊँ तो मेरे पास पेज खुला हुआ है एडवांस्ड कैलकुलेटर 1. जो नॉर्मल एडवांस कैलकुलेटर था वो तो ये सही तरीके से काम करता ही है, लेकिन हमें ये वाला चेक करना है. तो अगर हम 1 + 2 = पे क्लिक करें तो आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर पा रहे हैं 3 आया. अब ये 3 कैसे आया ये कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने तो कोड किया ही नहीं कुछ, हमने तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रोवाइड किया है इसको इवेल फंक्शन. सारा काम वो खुद करके दे रहा है. देखो, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इतना तो पता ही है कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस ये वो थोड़ी बहुत चीज़ें. उसको इसके सिंबल भी पता है कि प्लस का सिंबल क्या है, माइनस का क्या है, अगर क्लिक करना है तो 2-3 नंबर जो आसपास दिए हुए हैं उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो वो सारा कोड इसके अंदर पहले से लिख दिया गया है जावास्क्रिप्ट के डेवलपर के थ्रू. ठीक है, और वो बस हमको यही कहता है कि तुम बस सीधे सीधे इस इवेल फंक्शन को लगाओ और ऑपरेटर ऑपरेंड जो भी तुम्हें यूज़ करना है और इक्वल टू दो, मैं तुम्हें आंसर बता दूंगा जो भी है. बस ध्यान ये देना है आप इक्वल टू पे ये रखें, और इक्वल टू पे आप एक गलती ना करें, यहाँ पे प्लस इक्वल टू ना लगाए जैसे हमने ऊपर जगह जगह लगा रखा है, वरना वो पिछले आंसर के साथ इस नए आंसर को जोड़ के दे देगा जिसका हमें अभी कोई लेना देना नहीं है. तो इतना कुछ टफ नहीं था ये कैलकुलेटर, बहुत ही ईजी है. बस ये एक लाइन और आपका सारा का सारा आंसर ये खुद ही निकाल के देगा. मैं आपको बाकी सारी चीज़ें भी चेक करा देता हूँ, जैसे कि 10 - 2 = 8 आ गया हमारे पास. क्लियर पे क्लिक किया, क्लियर हो गया. अगर हम 5 × 8 करें, ओके मैंने गलती से क्लियर कर दिया, 5 × 8 = 5, 8 = 40. वो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर उसने खुद ही प्रोवाइड कर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा. मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस चेक कर लेते हैं एक बार. अगर मैं 11 को मॉड करूँ, मतलब कि डिवाइड करूँ 2 से, तो कितना आएगा? 2 × 5 = 10, बच कितना गया रिमाइंडर 1, तो आपको आंसर ये प्रोवाइड कर देगा 1. तो सारी चीज़ें काम कर रही है, हर एक को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये ऑन और ऑफ का बटन कैसे काम करेगा, आप जाएंगे चैनल पे, वीडियो या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाएंगे. सिंपल मैंने यहाँ पे लेक्चर करा रखे थे कैलकुलेटर बनाने के, आप उसमें से सेकेंड लेक्चर को चेक कर लेना, उसके अंदर मैंने इसको बहुत डीप में समझा रखा है ये कैसे ऑन और ऑफ का चक्कर काम करता है. सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ चुका होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करें, कोई डाउट या फीडबैक है तो कमेंट करके बताएं. अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके, या फिर अगर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप मुझे सोशल मीडिया पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा. और
प्ले सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ रेडी करके रखा है, जैसे कि गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाए, पीएचपी ट्यूटोरियल, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट हैं, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है, एचटीएमएल है, बूटस्ट्रैप है, ई कॉमर्स वेबसाइट हम कैसे क्रिएट करते हैं, यूट्यूब जैसी वेबसाइट और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट। बहुत ही जल्दी हम लोग फोटोशॉप, गेम डेवलपमेंट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट भी लेके आने वाले हैं। करना आपको कुछ नहीं है, बस चैनल पर सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लगी। सो बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।